नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूं आपके सामने एक बार फिर से अपना नया ट्यूटोरियल लेकर। और आपके कमेंट्स, आपके व्हाट्सएप मैसेजेस, आपके कॉल्स मेरे पास लगातार आते रहते हैं, जो दर्शाता है कि आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते हो। और मैं भी कोशिश करता हूं कि आपके हर एक कॉल का जवाब दे सकूं और आपकी जो भी क्वेरीज होती हैं उनको क्लियर कर सकूं। कुछ एक कमेंट्स मेरे पास आते हैं कि आप किसी नोट को गलत बता रहे हैं, यानी कि जो डी नोट है मैं उसको एफ बता रहा हूँ। देखिए, ये वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है और इसको ई फ्लैट इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। ई फ्लैट इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है कि जो हमारा पियानो का जो सी नोट है उसको इन्होंने ई फ्लैट यानी डी शार्प के ऊपर ट्रांसपोज कर दिया, यानी कि इसका जो पियानो का जो डी शार्प नोट है, दूसरा काला जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका वो सी नोट बनता है। ये थ्योरी ऑफ ट्रांसपोजिशन है। सो कंफ्यूज मत होइएगा, मैं वेस्टर्न तरीके से नहीं बता रहा हूँ, पहले भी वीडियोज में अपने मैं बता चुका हूँ, और मैं जो आपको बता रहा हूँ इंडियन क्लासिकल के तरीके से बता रहा हूँ, क्योंकि इसका जो ए नोट है वो हमारे सी से मैच करता है, मतलब ओरिजिनल सी इसका जो है वो हमारे, जो मैंने बताया दो फिंगर जब दबाते हैं, अगर वेस्टर्न में देखा जाए तो वो ए नोट हो जाएगा। तो कंफ्यूज मत होइएगा, वो भी अपनी जगह सही है, टेक्निकली मैं भी अपनी जगह सही हूँ, क्योंकि हमें इंडियन क्लासिकल बजाना होता है और किशोर रफ़ी हमें बजाने होते हैं, तो मुद्दा ये है कि इंस्ट्रूमेंट बजना चाहिए, मेरा मानना ये है। खैर, बहुत से लोगों के कॉल मेरे पास आए कि अभी एक गाना चल रहा है ट्रेंड में, बहुत प्यारा गाना है, ऐ मेरे हम सफ़र, बहुत प्यारा गाना है, कि आप हमें ये गाना दीजिए और हम बजाना चाहते हैं। आजकल ट्रेंड में भी है ये गाना। खैर, ये बहुत प्यारा गाना है, सॉफ्ट बजता है, कोई भी ऐसी की नहीं है जो बहुत मुश्किल की लगती हो इसमें, आप इसको प्यार से बजाएंगे तो ये गाना, मतलब आप यू विल नेल द ऑडियंस। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। यहाँ से हम लोग इस गाने की शुरुआत करते हैं। तीन फिंगर मैंने ऊपर से दबाई हुई और टेव इसका मैंने दबाया हुआ है। यहाँ से मैं इस गाने की शुरुआत करता हूँ। अभी तक पूरे गाने में, पूरी लाइन में ऑक्टेव दबा हुआ है। देखिए, मैं इसको टेम्पो में बजाता हूँ। और जब एकदम यहां पे आता हूं तो दब जाता है। मंजिल प्यार की
करते चलते हैं, बहुत प्यारा अंतर है। अभी है जुदाई का मौसम, अभी है जो ऑक्टेव दबा रहेगा, अभी है जुदाई का देखिए, अभी है जुदाई का मौसम, ये दोनों फिंगर एकदम आएंगे। मुझे लिरिक्स याद नहीं है, मुझे सिर्फ धुन याद है। दूसरी लाइन सेम इसी तरीके से रहेगी, दोनों जैसे पहली लाइन थी सेम उसी तरीके से रहेगी। उसके बाद ये वाला नोट, ये वाला चौथी फिंगर पर हमारी आती है। कैसे ना मिलेगी, उसके बाद ऑक्टेव छोड़ के मंजिल प्यार की, उसके बाद फिर वही एंड है उस पर, और यही आप अंतरा बजाएंगे दो तीन बार तो आपका गाना खत्म हो जाएगा। और कंटिन्यूअसली मुझे फोन करते रहिए, मैसेज करते रहिए, आपके कमेंट्स का, मैसेजेस का और फोन का मुझे इंतजार रहता है। कोई भी कंफ्यूजन हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेज अगर आप लेना चाहते हैं ऑनलाइन क्लासेज भी ले सकते हैं, मेरे कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे काफ़ी कोर्स हैं। और आप उसे फ़ोन पे बात कीजिए, व्हाट्सएप पे बात कीजिए, कोई कोर्स में ज्वाइन करना चाहता है। मेरा नंबर ऑलरेडी मैं हर एक वीडियो में देता हूँ, 9990915362, 9990915362। मिलता रहूँगा आपसे बार बार।